कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या हैं हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट दे में बी सिलेक्टेड बाई साइट तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं वो सबस्ट्रेट से सिमिलर होते हैं तो इंजाइम की बाइंडिंग साइट को ऐसा लगता है कि ये वही सबस्टेट है जिसको मैंने अपने साथ अटैच करना है तो उसको अटैच कर लेता है लेकिन क्योंकि वो सबस्टेट नहीं थे वो तो इनिबिटर थे इसलिए कैटेटिकाइट जो है वो एक्टिवेट नहीं हो पाती है और प्रोडक्ट नहीं बनेगी नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स क्या हैं देम इन्जाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स एट अ पॉइंट अदर दैन द एक्टिव साइड यानी एक्टिव साइड के अलावा कहीं पर बाइंडिंग हो जाती है द आल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्जाइम क्योंकि वो कहीं और पर बाइंड कर गए हैं तो वो उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं इन सच अवे दैट इवन इफ जेनवन सबसे क्योंकि अब वो एक्टिव साइड के साथ तो बाइंड नहीं हुए एक्टिव साइड तो फ्री है लेकिन वो किसी और जगह पे बाइंड होकर एक्टिव साइड के स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं इस तरह से चेंज कर देते हैं कि अगर ओरिजिनल सबस्ट्रेट आएगा भी तो एक्टिव साइड जो है उसको बाइंड नहीं कर पाएगी और इसलिए जो है वो रिएक्शन भी नहीं होगा तो ये आपका इन्जाइम्स का चैप्टर था जो कि कम्प्लीट हो गया और जो जो मैंने आपको क्वेश्चन कहे हैं वो आपने जो है वो चैप्टर को तैयार करने के बाद आपने मुझे जो है उनके आंसर्स मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर देने हैं बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़